आज है क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल और मेरे को पूरा भरोसा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर से जीतेगी। वैसे तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज क्रिकेट के मौके पे मैं लेके आऊंगा इस क्रिकेट किट, आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरे पास दो क्रिकेट किट्स है, एक है एंट्री लेवल क्रिकेट किट, ये बहुत ही ज्यादा सस्ती मिलती है, इसको मैंने सिर्फ 650 रुपीस में खरीदा है। एक और भी क्रिकेट किट है, ये है कम्प्लीटली प्रोफेशनल क्रिकेट किट, ये 3000 रुपीस में मैंने खरीदा था अमेजोन से। दोनों का ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो। चलो कुछ फटाफट से दोनों को अनबॉक्स करके तो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये क्रिकेट किट को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। आप चाहे तो इसको किसी को भी गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो इस तरीके का बैग मिला है मेरे को इसके साथ, ताकि ये प्रोटेक्टेड रह सके। पीछे यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये क्रिकेट किट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, इस वजह से गाइस आप इसको कहीं पे भी लेके जाओ और किस तरीके से भी खेलो ये बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो सबसे पहले इसका बैट मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ये देखो गाइस, ओह माय गॉड, प्लास्टिक का बैट है, पर ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल प्लास्टिक है, बहुत ही ज्यादा मजबूत प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। आप इसके साथ फोर्स और सिक्सेस भी बहुत आराम से लगा सकती हो। इसकी क्वालिटी देखो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पे रबर की ग्रिप भी आपको देखने को मिलेगी और ये बैट काफी ज्यादा हल्का फुल्का है यार। यहाँ से आप इसका शेप भी देख सकते हो, काफी ज्यादा कर्वी दिया गया है। इसको मैंने जैस्पो से खरीदा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। देखते हैं और क्या क्या चीजें मिली है इसके साथ। ये विकेट को सपोर्ट करने के लिए देखो इस तरीके का प्लास्टिक बार मेरे को मिला है और ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत क्वालिटी का है। और यहाँ पे भी एक विकेट लगाने के लिए ही होगा शायद, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे है इसके विकेट्स, ये देख लो गाइस, चार विकेट्स मिले, अच्छा तो अब मेरे को समझ में आया। ये देख लो चार है, एक तरफ जहाँ से बैटिंग करते हैं वहाँ पे तीन विकेट्स हम लोग लगा सकते हैं, जहाँ से बॉलिंग करते हैं वहाँ पे सिंगल विकेट दिया गया है। आप चाहे तो ये सेपरेटली खरीद भी सकते हो। यहाँ पे है इसकी बेल। अगर विकेट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी कम्प्लीटली ABS प्लास्टिक से बना है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऊपर की तरफ इस तरीके की स्टिकरिंग वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप इसको एकदम सही पोजीशन से लगा सको। एक बार यहाँ पे मैं ये लगा के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो गाइस इस तरीके से ये लगता है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसको इंस्टॉल करना। और इसके ऊपर आप बेल वगैरह भी रख सकते हो, इस तरीके की दो बेल्स मिलती है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। तो इस तरीके से आप क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हो ये क्रिकेट सेट लेकर। ओके गाइस चलो अभी हमारा ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट किट है इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलती है। ये क्रिकेट किट काफी ज्यादा भारी भरकम है, इसको मैंने क्लैप की तरफ से खरीदा है, यहाँ पे क्लैप स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। इस तरीके का मजबूत बैग इसके साथ मिला है, यहाँ पे इसके जिप्स वगैरह है इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखने के लिए। यहाँ पे भी क्लैप स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग वगैरह दी गई, क्लैप्स भी दिए गए हैं ताकि आप इसको अपने शोल्डर्स पे लटका सको। तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे इसकी सारी चीजें हैं, इसके अंदर आप बॉल वगैरह रख सकते हो। इसके साथ फिलहाल मेरे को बॉल नहीं दिया गया है, तो बैट एक बार निकाल लेते हैं गाइज यहाँ से। यहाँ पे इसका बैट का सेक्शन अलग दिया गया है, क्योंकि बैट की हैंडल बड़ी होती है तो इस वजह से इसको यहाँ पे रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बैट निकाल के दिखा देता हूँ, ये रहा गाइस इसका बैट, ये कम्प्लीटली कश्मीर विलो बैट है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पे आप इसके ऊपर स्टिकर वगैरह भी देख सकते हो, क्लैप स्पोर्ट की स्टिकरिंग वगैरह दी गई है। पीछे की तरफ से इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। बैट का वेट अच्छा खासा है गाइस, काफ़ी भारी भरकम बैट है ये। यहाँ पे रबर की ग्रिप वगैरह दी गई है ताकि आप एकदम मजबूती से बैट को पकड़ सको। ये बैट मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार। तो और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली है। ये पैड्स है, पैड्स के ऊपर कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है। तो और निकाल लेता हूं मैं सारी चीजें, फिर आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये थाई पैड है, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मेरे को लग रही है। हैंड ग्लव्स है, ये आर्म पैड है आम पे लगाने के लिए, और ये एब्डोमिनल गार्ड है, और यहाँ पे शायद इसका हेलमेट है गाइस, इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट से, फिर इनकी क्वालिटी देखेंगे कैसी है। हेलमेट
आप कोई भी साइज का ले सकते हो। इसके अंदर 3-4 साइजेस मिलते हैं, सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो ये प्रोफेशनल किट के अंदर देखो गाइस इतनी ढेर सारी चीजें मेरे को मिली है। सबसे पहले हेलमेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं हेलमेट की क्वालिटी कैसी है। ये रहा इसका हेलमेट, ओहो ऊपर ABS प्लास्टिक यूज किया गया है, तो इसको यहाँ से भी निकाल लेते हैं एक बार, फटाफट से सारी चीजें बताऊंगा फिर गाइज। ये हेलमेट और सारी की सारी किट मैं आपको पहन के भी बताने वाला हूँ। हेलमेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अंदर की तरफ कुशनिंग भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रैप है और ये इसकी सामने की मेश है, आप इसको यहाँ से इस तरीके से फिट कर सकते हो। फिट करने के लिए देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाएगी, तो इसको एक बार फिट करके भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे और चीज़ें हैं, ये पैड्स है, पैड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है। साइज़ भी आप देख सकते हो, एक अडल्ट के लिए ये काफ़ी है। कुशनिंग बहुत ही मस्त वाली इसके अंदर दी गई है, अंदर की तरफ से भी कुशनिंग देख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके का वेलक्रो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों तरफ वेलक्रो दिया गया है। अब ये है हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स के पास भी देखो इस तरीके का वेलक्रो आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको पहन के भी दिखा देता हूँ, पहनने के बाद देखते हैं गाइस ये कंफर्टेबल है या फिर नहीं। ओके पहन लिया मैंने, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैंड ग्लव्स हैं गाइस। यहाँ पे एयर वेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी कुशनिंग दी गई है, यहाँ पे भी कुशनिंग है और थंब के ऊपर भी कुशनिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी। अब ये है थाई पैड, थाई पे लगाने के लिए, अंदर की तरफ इसकी भी कुशनिंग अच्छी है। यहाँ पे भी वेलक्रो की जगह देखो यार इस तरीके का स्ट्रैप देखने को मिलेगा। और ये है एब्डोमिनल गार्ड, बहुत ही मजबूत प्लास्टिक का इसको भी बनाया गया है, अंदर की तरफ अच्छी खासी कुशनिंग साइड में आपको देखने को मिलेगी। ये देखो गाइस अब लग रहा हूँ ना पूरा पक्का क्रिकेटर, यहाँ पे देखो पूरी चीजें मैंने पहन ली है। जैसे कि ये आर्म पैड है, ग्लव्स है, क्रिकेट बैट ले लिया है मैंने, और देखो ये पैड्स भी मैंने लगा लिए हैं और थाई पैड भी मैंने लगा लिया है। तो ये वाली क्रिकेट किट काफी ज्यादा मस्त मेरे को लगी गाइस इतने कम प्राइस में। सच में यार ये क्रिकेट किट से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो ये क्रिकेट किट को खरीद सकते हो या फिर एंट्री लेवल क्रिकेट किट को भी खरीद सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चलो भी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट, आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है राकेश, प्रमोद, उमर, साहिल, राजकुमार, विनीत, शाहनवाज, अरहान, शुभशीष, मुफीद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय।